नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली बस आने वाली है, लेकिन दिवाली से पहले उत्साह थोड़ा सा ठंडा है। शेयर बाजार का मूड हाल फिलहाल ठीक नहीं रहा है, थोड़ा फीका रहा है। बाजारों में वैसी रौनक नहीं है। डिस्काउंट के बावजूद गाड़ियों के शोरूम से खरीदार गायब हैं। ग्रामीण मांग को लेकर टेंशन फिर से बढ़ रही है। घर बिक तो रहे हैं, लेकिन जोश पहले जैसा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 9 शहरों में नए लॉन्च में 11% की गिरावट आई है। और तो और, सोने के लगातार रिकॉर्ड बनाने से ज्वेलरी की शॉपिंग भी थोड़ी सी धीमी है। तो क्या ये कुछ दिनों की बात है और अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे, या फिर मांग को लेकर चिंता लंबी खींचने वाली है? कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट से डिमांड की आगे की पिक्चर कैसी दिख रही है? क्या नया संवत इंडस्ट्री के लिए, बाजार के लिए नई खुशियां लेकर आएगा? इसे समझेंगे इस खास शो में जिसका नाम है इस दिवाली कितनी खुशहाली। और इस खास शो में जिसका नाम है ये दिवाली कितनी खुशहाली, सिनको गोल्ड के MD और CEO सुवांकर सेन हमारे साथ हैं। फाड़ा के पूर्व प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी जी हमारे साथ हैं और विजय सेल्स के MD नीलेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सुवांकर जी, वेंकेश जी और नीलेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया स्वागत ही टीना स्वदेश पर। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके घर में, आपके परिवार में हर्ष हो, लाश हो, खुशियां हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं, इसकी कामना भी करते हैं। शुरुआत सुवांकर जी आपसे करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि गोल्ड लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा था और भाव नई ऊंचाई छू रहे थे। ऐसी खबरें आ रही थी कि थोड़ी सी ना मामला ढीला इस बार डिमांड को लेकर ज्वेलरी की अगर हम बात करें। एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि दूसरी तिमाही में गोल्ड की ज्वेलरी की जो डिमांड है वो 17% गिर गई है। आप जरा ये बताइए कि क्या इस बार की दिवाली थोड़ी सी आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी फीकी है, उतनी रौनक है बाजारों में नहीं है? देखिए, दिवाली में हम लोग जो देखते हैं कि दो तरीके का कस्टमर आते हैं। एक हो गया जो वेडिंग रिलेटेड कस्टमर्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत सारे वेडिंग है, तो जिन लोगों को खरीदना है तो वो लोग इस शुभ अवसर पर जब कुछ ऑफर हो रहे हैं, स्कीम्स हो रहे हैं, तो वो लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। दैट इज वन कस्टमर। और वही कस्टमर है जो आज के दिन हम लोग मार्केट में देख रहे हैं और उन लोगों का बाइंग परचेसेस हो रहा है, क्योंकि उनका मन में ये टेंशन आ रहा है कि गोल्ड का प्राइस अगर 2-3 महीने में और बढ़ जाए तो उनके लिए थोड़े और परेशानी आ जाएगी, तो अभी से खरीदना चालू कर लेना। सो दैट इज वन कस्टमर जो आज का बिजनेस और सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो दूसरे तरीके का कस्टमर है जो साल में एक बार वेट कर लेते हैं कि चलो इस जो ऑस्पिशियस ओकेशन है घर के लिए कुछ खरीदा जाए। तो इन लोगों में दो तरीके का रिएक्शन आ रहा है। एक तो है कि अंदर में खुशी भी आ रहा है कि उनका पास जो सोना है वो प्राइस बढ़ गया है, इट इज अ ग्रेट एसेट और कुछ खरीदना चाहिए। और दुख का बात यह है कि उन लोगों का जितना खरीद सकते थे उनका पैसे से उतना नहीं मिल रहा है, थोड़ा लेसर क्वांटिटी मिल रहा है। तो ये जो 17% फॉल का बात बोल रहे हो वो वॉल्यूम में हम लोग को मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा है कि क्वांटिटी डिमांड इस बार बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस राइज जो ऑलमोस्ट 20-25% प्राइस जंप हो गया है फ्रॉम लास्ट ईयर, उसके लिए 17-18-20% तक, मैं तो बोलता हूँ 15-17% क्वांटिटी फॉल होगा। वैल्यू में आपको फिर भी दिखेगा कि चलो 10-12% ग्रोथ हुआ है। फुटफॉल अगर स्टोर में देखा जाए, ये सैटरडे संडे एक अच्छा मतलब टाइम था लोगों का रिटेल बिहेवियर समझने के लिए, तो आई वुड से दैट सैटरडे संडे अच्छा खासा वीकेंड रहा तो सेल हुआ है। अभी लास्ट ईयर से इस साल अभी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे बाकी है फॉर धनतेरस, तो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग अभी तक 10-12% वैल्यू वाइज ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा सुवांकर जी, काम कीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी सेल्स पिकअप कर रही है। आप चूंकि ना सिर्फ एक ज्वेलरी चेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बल्कि आप इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपर्ट के तौर पर भी आप जुड़े हैं, ज़रा ये बताएंगे कि सोने की जो ये तेज़ी चल रही है, हमने 75,000 के ऊपर के भाव हमने देख लिए सोने में, कॉमेक्स गोल्ड भी लगातार ऊंचाई छू रहा था, ये प्राइसेस पीक आउट होने के क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, या फिर अभी थोड़ी मोमेंट्री रिलीफ है, अभी भी जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है सोने में?
कमिंग जो नवंबर दिसंबर में क्या क्या इवेंट होने वाला है उसका एनालाइज करें, तो यूएस का इलेक्शन इज द बिग इवेंट, जो आपका 4th-5th November को उसका इलेक्शन होने वाला है और उसका कमिंग वीक में रिजल्ट निकलने वाले हैं, तो वहां पे जोरदार कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो जब तक कौन क्लियरली प्रेसिडेंट होगा वो क्लियर ना हो तो डॉलर के ऊपर एक प्रेशर आएगा और उसके कारण इन्वेस्टर सेफ हेवन के नाते पे गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। सो देर इज द प्रेशर ऑफ अपवर्ड मूवमेंट फॉर गोल्ड बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन। दूसरा आपको देखना है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल ईरान वॉर जो हो रहा है, ये सिचुएशन मतलब रोज कुछ ना कुछ नया नया होते जा रहा है, तो माहौल दुनिया में थोड़े सी मतलब उतना तो शांति का माहौल है नहीं, तो इसके लिए जब तक ना एक क्लैरिटी आ जाए, मेरे हम लोग के हिसाब से 2-3 महीना गोल्ड में ऊपर की तरफ ही जाने का संभावना ज्यादा रहेगा। तो ये जो भी थोड़े बहुत करेक्शन दिए है दिवाली धनतेरस के लिए, ये एक अच्छा ओकेशन है खरीदने का, फिर ऊपर चला जाएगा तो अभी 3-4 महीना ऊपर में रहेगा, फिर जब धीरे धीरे सारा चीज क्लैरिटी आ जाएगा, वॉर भी थोड़ा शांति के जगह में चला जाएगा, फिर गोल्ड का प्राइस नीचे टूटने का संभावना है, बट वो भी 4-5 महीने लग जाएगा, यही हम लोग का एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोने में चमक तो है और ये चमक बनी रहेगी दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर थोड़ा सा सोना नीचे आया है। और होता क्या है कि चाहे सोना महंगा रहे सस्ता रहे, मतलब इसकी फेस्टिव वाली बाइंग तो आती है, मतलब धनतेरस पर लोग खरीदते ही हैं, थोड़ी कम होगी ये ज़रूर है, और कहीं ना कहीं शादियों वाली भी डिमांड अभी सोने को लेकर है। लेकिन एक काम करते हैं, ज्वेलरी एक सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट हो गया ऑटो, कारें हम देख रहे हैं कि बिक रही हैं लेकिन थोड़े से स्लो लेन में हैं, लगातार वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे थे, और आलम यह है कि बड़े बड़े डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से, जो पहले 1000 में होते थे डिस्काउंट अब 1,00,000 में भी पहुँच गए हैं, बावजूद उसके थोड़ी दिक्कत आ रही है कार बाइक के सेल्स में, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो गाइडेंस है वो भी कट करना पड़ा है। हमारे साथ हैं वेंकेश गुलाटी जी, जो कि फाडा, जो कि डीलर्स का एसोसिएशन है, उसके चीफ रहे हैं पहले। वेंकेश जी, आप ज़रा बताइए, एक और आंकड़े से शुरुआत कर लेते हैं कि जो कार कंपनीज टू डीलर्स जो सेल्स होती है वो 9 तिमाहियों के बाद 10वीं तिमाही में घटी है, 9 तिमाही तक लगातार बढ़ी है और ये पहली बार 10 तिमाही में कम होकर आई है, ये जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर रहा है। आप ये डिमांड में स्लोडाउन को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एसयूवीज जो कि लगातार बिक रही थी वहां पर कोई टेंशन नहीं थी, अब उनकी सेल्स में भी कमी आ रही है, क्या इंडिकेशन स्लोडाउन का है और एक क्या जो थोड़ी मंदी है थोड़ी लंबी खींचने वाली है आपके हिसाब से? विकेश जी, सर आपका ऑडियो थोड़ा सा ना गड़बड़ है, इसको जरा हम फिक्स करते हैं, फिर से आपके पास लौटेंगे और यही आपका आपके लिए प्रश्न भी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो शोरूम है ना, उनसे बड़ा साफ साफ पता चल जाता है कि कंज्यूमर का सेंटिमेंट, कंज्यूमर का बिहेवियर, मार्केट का मूड कैसा है, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। बहुत ही दिग्गज रिटेल चेन है इस सेगमेंट की विजय सेल्स, और उसके एमडी नीलेश गुप्ता जी हमारे साथ भी शो में जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं, चलिए डिमांड की बात तो बाद में करेंगे, दर्शक जो हैं जो कंज्यूमर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से इस दिवाली पर? हमारी तरफ से, विजय सेल्स की तरफ से सब श्रोताओं को और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक ऑफर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से दिवाली एक ऐसा टाइम है, समय है, जहां पे हर रोज ग्राहक इंतजार करता है कि अगर मुझे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल लेना है तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल में सबसे अच्छे ऑफर्स रहते हैं और वो कई हद तक सही भी है। तो इस साल भी हर साल की तरह काफ़ी कैशबैक ऑफर्स हैं, काफ़ी ईएमआईज ऑफर हैं, और ईएमआईज अब और अच्छी हो गई हैं क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया है और ज़ीरो डाउन पेमेंट की कई प्रोडक्ट्स में ऑफर्स आ गई जो पहले भी थी, बट अब प्रोडक्ट्स में वृद्धि हो गई है ज़ीरो डाउन पेमेंट में। इसके साथ साथ कैशबैक ऑफर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक्सचेंज ऑफर्स भी आ गया है। मोबाइल में आप देखेंगे अपग्रेड ऑफर्स हैं, टीवीज में एक्सचेंज ऑफर्स हैं, अप्लायंसेज में एक्सचेंज ऑफर्स हैं, तो ओवरऑल कुल मिला के
कोई भी ग्राहक अगर शोरूम में आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स लेने तो वो खुश होके जाएंगे, उन ऑफर्स की बदौलत दे बी वेरी हैप्पी। ठीक है, ऑफर्स अच्छे हैं, खुश होके जाएंगे, लेकिन नीलेश जी जरा ये भी बता दीजिए कि इस फेस्टिवल सीजन में हम बाकी इंडस्ट्री में बाकी सेगमेंट में देख रहे हैं थोड़ी सी डिमांड को लेकर किल्लत है, क्या आपके सेक्टर में आपके सेगमेंट में डिमांड ठीक ठाक है, इस दिवाली को लेकर उत्साह कितना है सर? देखिए जहां जैसे इस बार नवरात्रि शुरू हुई थी बहुत अच्छा पिकअप किया था, तकरीबन हमें लग रहा था कि 10-15% की वृद्धि इस दिवाली पे आएगी, लेकिन दशहरा क्योंकि कुछ जगह पे बारिश हो गई थी तो उस वजह से थोड़ा सा लो था, बट हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये जो 5-6 दिन अब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है दिवाली और उसके बाद के दिन के, उसमें शायद कवर अप हो जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है 7-10% की वृद्धि पिछले साल से होनी चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ बता देता हूँ, पिछले साल भी अच्छा बेस था तो उस बेस पे अगर 7-10% की ग्रोथ आती है तो बहुत ही अच्छा मानी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, रोबस्ट नहीं, लेकिन ठीक ठाक है डिमांड इस बार। वेंकेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। वेंकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आवाज़ आ रही होगी हमारी साफ साफ। बताइए सर, ऑटो में जो डिमांड का जो स्लो डाउन आ रहा है वो कितने गंभीर है और क्या ये थोड़ा लंबा खींच सकता है ये? सर देखिए, ऑटो का जो स्लो डाउन है ये डीलर डिस्पैचेस की तरफ से ज़्यादा है, ना कि ग्राउंड रियलिटी पे। पिछले 4 महीने में मार्केट थोड़ी सी सब्ड्यूड थी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री हमारी कुछ 80-90 दिन आ चुकी है। उसको बैलेंस करने के लिए सितंबर एक महीना ऐसा था जिसमें मैन्युफैक्चरर ने डिस्पैचेस कम किए कि इन्वेंट्री ठीक रहे और आगे चले। अगर मैं त्योहारी सीजन की बात करूँ तो हम अच्छी पोजिशन पे हैं। वो बात अलग है कि पिछले साल कुछ हम डबल डिजिट 19% की ग्रोथ पे थे, उतनी हाई ग्रोथ की उम्मीद नहीं है क्योंकि एक बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है कोविड के 2 साल के बाद, बट फिर भी एक से डबल मतलब टॉप सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में पक्का जाएगी टोटल ऑटो की अगर बात करूं। और ग्राउंड में वॉकिंग्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बुकिंग्स बहुत अच्छी हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ मैन्युफैक्चरर जिन्होंने नए प्रोडक्ट पिछले 6 महीने में लॉन्च किए हैं उनकी ग्रोथ बेटर है, उनकी कह लीजिए कि कन्वर्जन रेट बेटर है बाकी ओईएम से। तो ये जो ग्रोथ आपको कारों में मिलेगी ये इंडस्ट्री की ग्रोथ तो आएगी, लेकिन ये ग्रोथ हर मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगी। फेस्टिव की बात कर रहा हूँ अगर, तो आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स में मिलेगी जो पूरी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएगी। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है इस समय ऑटो में। ये वाला फेस्टिव मेरे ख्याल से अक्टूबर की मंथ की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट एवर मंथ होगा आज तक में। पूरे फेस्टिव की बात करूँ तो ये ग्रोथ टू व्हीलर आगे लेके जाएगी। टू व्हीलर इस समय अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत रूरल में ग्रोथ आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी आ गई प्री कोविड की तरह, बट रूरल में ग्रोथ आई है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स स्कूटर में कुछ सपोर्ट मिला है। तो बेस्ट ग्रोथ हमको टू व्हीलर में मिलेगी और उसके बाद कारों में आएगी। लेकिन ये जो हल्का सा सब्ड्यूड मैसेज है जो ऐसे आप दे रहे हैं ये सिर्फ डिस्पैचेस में है और इसकी उम्मीद हमें पहले से थी क्योंकि डीलर्स के पास इन्वेंट्री ज्यादा है और FADA पिछले 3 महीने से कह रहा है कि इतनी हाई इन्वेंट्री से एक डीलर की वायबिलिटी, एक कस्टमर को सही सर्विस मिलना मुश्किल होती है। देखो क्यों, अच्छा सुमांकर जी, हम देख रहे हैं कि लैब ग्रोन डायमंड को लेकर काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, काफ़ी खबरें भी हाल फिलहाल आ रही हैं और ये खबर भी आई थी कि आपकी कंपनी भी इसमें वेंचर कर रही है, एंट्री कर ली है। आप ज़रा बताएंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर और कंज्यूमर की जो पसंद है वो किस तरह से बदली है पिछले 1 साल में और क्या लोग अब, चूँकि गोल्ड बहुत तेज़ रफ्तार से महंगा हुआ है, काफ़ी चमक रहा है भाव, तो क्या लैब ग्रोन डायमंड की तरफ या फिर सिल्वर की तरफ, बाकी दूसरे मेटल्स की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ा है? देखिए यहाँ पे अगर देखें कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए डायमंड ज्वेलरी, वो रियल डायमंड हो कि लैब ग्रोन डायमंड, क्योंकि वो 14 कैरेट 18 कैरेट प्योरिटी में बनता है तो ओवरऑल एक बजट में वो इजी हो जाता है कस्टमर को खरीदने के लिए। तो लैब ग्रोन डायमंड एक नया प्रोडक्ट है और हम लोग जो देख रहे हैं कि लैब ग्रोन में जो बड़े साइज के डायमंड है 50 सेंट्स 1 कैरेट वो वाले साइजेस में अगर कोई कस्टमर खरीदे तो उसमें रियल डायमंड के कंपैरिजन में एक
डिफरेंस प्राइस डिफरेंस में कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। मगर अगर छोटा साइज का डायमंड खरीदे तो वो फिर रियल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में ज्यादा फर्क है नहीं। तो लोगों का जो स्पेशल कोई कोई स्पेशल ओकेशन के लिए हो या कोई स्पेशल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हो तो फिर लैब ग्रोन डायमंड एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। मगर शादी के लिए लोगों को फिर भी रियल डायमंड देने में ज्यादा फोकस है। और हालांकि सिल्वर ज्वेलरी के लिए देखें कि ये एक सच है कि सिल्वर का सेल्स और डिमांड ज्वेलरी में हो यूटेंसिल्स में हो सालों साल जब बाकी चीजें उतना नहीं ग्रोथ हो रहा है सिल्वर में 32-30% ग्रोथ हो रहा है। और हम लोग शॉपर स्टॉप में या बहुत सारे काउंटर में गिफ्टिंग आइटम के लिए जो 5,000-10,000 के अंदर गोल्ड में ज्यादा बड़ा चीज नहीं मिल रहा है तो वो फिर लोग गिफ्टिंग के तौर पे सिल्वर ज्वेलरी खरीद रहे। तो इस हिसाब से सिल्वर विद रोज गोल्ड पॉलिश येलो गोल्ड पॉलिश लोगों का जो ज्वेलरी पहनने का ये है यंग जनरेशन दे आर नाउ शिफ्टिंग की चलो सिल्वर में वो लोग ट्राई करें इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। ये कोशिश करें कि बाजारों में इस वक्त ट्रेंड कैसा है और क्या जो थोड़ी थोड़ी सी मंदी की चर्चा हो रही है क्या उस बात में दम है या फिर बिक्री ऐसी ही जारी है जैसे पहले चल रही थी। हमारे साथ इंडस्ट्री के तीन दिग्गज हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑटो के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के भी हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे वेंकेश जी, ईवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं और हर कंपनी उसमें इन्वेस्ट भी कर रही है। आप ज़रा ये बताइए कि किस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है ईवीज के स्पेस में, क्या ये जो आईसी इंजन वाली जो गाड़ियां हैं क्या उनको इम्पैक्ट कर रही हैं या फिर अभी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितनी इंडस्ट्री सोच के चल रही थी। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें करें तो इसमें दो कैटेगरी मेजर है, एक टू व्हीलर है एक कार्स है। टू व्हीलर की इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री बन चुकी है। वो बात अलग है कि इस समय एक जो स्टार्टअप कंपनी है उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की और कस्टमर सर्विस को लेकर के। उसको छोड़ दें तो जितनी भी बाकियां कंपनी हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए हैं जैसे बजाज टीवीएस और बाकियों की बात करें सब एक अच्छी ग्रोथ पे चल रही है और उन्होंने अपनी पोजीशन ठीक कर ली है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और ये फेस्टिव भी जो अक्टूबर का महीना है या जो नवरात्र दिवाली का जो हम 40-42 दिन की बात करते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आने वाला है। ओवरऑल टू व्हीलर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रोथ पे है और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा इस फेस्टिव में थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन में प्राइजेस कम हुए हैं, स्कीम्स अच्छी आई हुई है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर में जो पहले कभी नहीं आती थी गवर्नमेंट की सब्सिडी घटने के बावजूद कंपटीशन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छी स्कीम दी हुई है कस्टमर को लुभाने के लिए और इधर कस्टमर का इंटरेस्ट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर में बढ़ रहा है। तो उधर हमारी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, वो बात अलग है कि इनिशियल डबल डिजिट ग्रोथ। अब मैं अगर कार में आऊँ तो कार में थोड़ा सा उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। मतलब नॉर्मल ग्रोथ जो आती है एज पर मार्केट वो जरूर आएगी बट इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स का पिछले 4-6 महीने से थोड़ा सा सबड्यूड है और मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रही तो उसमें थोड़ा सा अभी भी मुझे चैलेंज दिखता है। अपितु आइस आइस विल सी आइस में बेटर ग्रोथ दिखेगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये फेस्टिव अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार में थोड़ा सा नॉर्मल ही जाना चाहिए। तो कार वाले सेगमेंट में उतना जोश नहीं है जितना कि टू व्हीलर में ईवी की अगर हम बात करें तो। नीलेश जी, ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा हमेशा होती है और आजकल का ना ट्रेंड है ग्राहक जब जाता है ना स्टोर में तो पहले ऑनलाइन प्राइसेस देख के जाता है। आप जरा बताइए किस किस तरह से आप निपट रहे हैं इस चीज से और ये टक्कर कैसी दिख रही है आपको। देखिए जहां तक इसका है सवाल मेरे ख्याल से अब एक बात बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि ऑनलाइन भी रहेंगे ऑफलाइन भी रहेंगे, दोनों माध्यम कंज्यूमर के लिए अच्छा है। कुछ कंज्यूमर है जिनको खाली कन्वीनियंस चाहिए वो ऑनलाइन में जाएंगे, कुछ है जिनको बार्गेन चाहिए वो दोनों जगह चेक करेंगे कहाँ पे अच्छा बार्गेन मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं कुछ नहीं बहुत ज़्यादा आज की तारीख में ऐसे हैं जिनको विश्वास खाली फिजिकल टच से और फिजिकल इंट्रैक्शन से होता है कि उन्हें अगर कोई तकलीफ हो तो वो जाके शोरूम में आदमी से बात कर सकते हैं, तो वो अभी भी ज़्यादा हैं तो वो ऑफलाइन लेना चाहेंगे। बट जहाँ तक दोनों माध्यम का सवाल है मेरे ख्याल से दोनों माध्यम अच्छे हैं और दोनों माध्यम मार्केट को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं।
में एग्जिस्ट करेंगे निश्चित तौर पर। ये सही कहा आपने नीलेश जी। अब शो समाप्त करने का समय तो हो गया है, लेकिन शुभांकर जी एक सवाल आपसे होगा आखिर में। आप ज़रा ये बताइए कि अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, ज्वेलर्स जो होते हैं तमाम डिस्काउंट्स ऑफर्स भी देते हैं, किस तरह के ऑफर्स डिस्काउंट्स आप ऑफर कर रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए? देखिए ऑफर तीन चार तरीके से हो रहे हैं। एक है कि मेकिंग चार्ज में आपका डिस्काउंट अप टू 450 रुपीज, तो छोटे ज्वेलरी स्मॉल फ्लैश में 200-250 रुपये का डिस्काउंट, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे डिस्काउंट बढ़ते जाएंगे, तो वो एक जैसा डिस्काउंट है। डायमंड वैल्यू में डिस्काउंट चल रहा है, लकी ड्रॉ के माध्यम से कॉन्टेस्ट एक रन कर रहे हैं, उसमें हम लोग जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ईवी कार और आईफोन गिफ्टिंग करने का मतलब लकी ड्रॉ के माध्यम से कस्टमर्स को गिफ्ट करेंगे, तो इस हिसाब से कस्टमर को एक खरीदने में एक खुशी आना चाहिए। हम लोग के लिए जो बाकी रिटेल सेक्टर से थोड़ा हम लोग बेनिफिट मिल जाता है वो है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज, ताकि बाकी लोगों में जैसे ईएमआई चल रहे हैं, हम लोगों का सिचुएशन में देख रहे हैं कि कस्टमर अपना घर से पुराना सोना लेके आ रहा है और उसको हम लोग कोई भी डिडक्शन नहीं कर रहे, जो भी वैल्यू मिल रहा है उस हिसाब से कस्टमर को नया ज्वेलरी दे रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट फॉर द ज्वेलरी सेक्टर बन जाता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स फॉर द ट्रांजैक्शन टू हैपन फूड, तो उसमें भी हम लोग कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहे हैं। और जी, नया जी. जमाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेविंग स्कीम ईएमआई ये सारा चीज हम लोग गोल्ड डायमंड जी शंकर जी ठीक है ठीक है। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, शुभांकर जी, विंकेश जी और नीलेश जी, आज आप जुड़े और आपने इंडस्ट्री के ट्रेंड को लेकर चर्चा की। एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दिवाली की। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, और लेकिन ईटीन और स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।